नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन जो वीकली एक्सपायरी होने वाली है उसमें किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और आपको कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है वो निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है स्पॉट का। तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट जो है अभी एक क्रूशियल लेवल के ऊपर आके रुका हुआ है। यहाँ से जो डाउन ट्रेंड लाइन हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था उसका कल हमें कंफर्म ब्रेकआउट तभी बोल सकते थे मिल चुका है जब आज का जो क्लोजिंग था, आज का क्लोजिंग प्रीवियस हाई के ऊपर आ जाता। लेकिन अभी आज का क्लोजिंग जो आ रहा है वो ट्रेंड लाइन से भी नीचे आ रहा है और कल के क्लोजिंग से भी नीचे आ रहा है, तो एक थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर क्रिएट करता है मार्केट के हिसाब से। उसी तरीके से अगर आप ऑप्शन चेन का जो डेटा मैं अभी आपको एनालाइज करके बताऊंगा उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आज का मोमेंटम हुआ है वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं हुआ है, तो कल हमें कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। अभी आपके सामने जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है उसमें अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड की तरफ एक गैप अप का जोन बनकर आ रहा है जो हमारे लिए सपोर्ट एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। ऊपर की साइड की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है, ये डाउन ट्रेंड लाइन जो हमें मिल रही है, ये डाउन ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस जोन है होने की पॉसिबिलिटी है। और बीच में क्या हो चुका है, बीच में बाजार फंस चुका है और यहाँ पे हमें आज के दिन पूरा का पूरा टाइट कंसोलिडेशन का रेंज बाउंड फेस दिखाई दिया जो मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट करके दिया था आपको। तो ये जो टाइम फ्रेम जो के हिसाब से हमें जो रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई दे रहा है ये अगर कल के दिन मार्केट ब्रेक करता है तो हमें बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दे सकता है। क्यों दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से जब भी मार्केट रेंज बाउंड फेज में चला जाता है और इस रेंज बाउंड फेज को अपसाइड की तरफ या डाउनसाइड की तरफ विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो मार्केट में बहुत बढ़िया मोमेंटम आता है, जिस मोमेंटम में ऑप्शन बायर को जो है वो ऑप्शन बायर को बहुत बढ़िया बेनिफिट हो सकता है। तो इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ये जो मोमेंटम ऊपर की साइड की तरफ आता है या नीचे की साइड की तरफ आता है तो उसमें शॉर्ट कवर करने वाले कितने ट्रैप हो जाएंगे ये हमें देखना पड़ेगा, जो अभी आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए हम लोगों को कौन से लेवल को याद रखना है। तो अभी जो चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में ऊपर का जो लेवल हमें मिल रहा है ये ऊपर का लेवल हमें मिल रहा है 15,134 का और नीचे की साइड में जो लेवल हमें मिल रहा है वो लेवल अप्रोक्सीमेटली आज के लो का लेवल मिल रहा है। तो आज का जो लो यहाँ पे बनाया हुआ है 15,021 का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल का लो बन चुका है। अगर कल के दिन मार्केट 15,000 के नीचे ओपन होता है या कल के दिन इंट्राडे में ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत बढ़िया डाउनसाइड का मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन में जाते हो तो ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने के बाद ये बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको NSE इंडिया के वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। अभी ऑप्शन चेन में कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15,100 का जो लेवल है वहाँ पे 65,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और ये 15,000 का जो लेवल है 15,000 के लेवल के ऊपर 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। नीचे की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो 14,900 का जो लेवल है वहाँ पे 51,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है और 14,800 का जो लेवल है वहाँ पे 42,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। मतलब ऊपर की साइड की तरफ मार्केट को थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो नीचे की साइड की तरफ 15,000 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो क्या हो जाएंगे, ये सब लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो ये जो ट्रैप हो जाएंगे लोग है उनके लिए क्या ऑप्शन है, कल का दिन एक्सपायरी है तो एनी हाउ उन लोगों को उनका पोजिशन स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा। तो जब वो अपना पोजिशन स्क्वेयर ऑफ करने के लिए आएंगे तो उनकी तरफ से भी सेलिंग का एक प्रेशर आपको दिखाई देगा, प्लस साइडलाइन के ऊपर जो लोग बैठे रहेंगे वो भी फ्रेश सेल कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो ये हो गया ऑप्शन चेन के हिसाब से। जो लोगों को ऑप्शन का फ्री कोर्स ज्वाइन करना है उसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कल के दिन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो लेवल है इस लेवल को मार्केट किस तरीके से ब्रेकडाउन करता है। अगर विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेकडाउन करता है तो हमें बहुत बढ़िया मोमेंटम डाउनसाइड की तरफ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं
तो यहाँ पे एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम का सिनेरियो मार्केट में बन रहा है। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये बीच वाला जो रेंज बाउंड का फेज है यहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड कीजिए, और जैसे ही मार्केट ये 15,130 का जो 34 का जो लेवल है इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो ही हमें वहाँ पे ट्रेड करना है। ये बीच वाले जोन को हमें क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले दो दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट इसी जोन में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अगर आप रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी है, तो उससे बेटर क्या है आप इस रेंज बाउंड मार्केट को अवॉइड करो, उसमें ट्रेड मत करो, और जैसे ही मार्केट इस रेंज बाउंड मोमेंटम को फेज को ब्रेक करेगा तब जाके आप एंट्री कर लो। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। आज सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया था कि कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, तो उस न्यूज का ज्यादा कुछ इम्पैक्ट मार्केट में हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग चार्ट के हिसाब से अगर एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो हम लोगों ने डाउन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, कल के दिन मार्केट ने इस लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन जो ब्रेकआउट का कैंडल बना वो डोजी कैंडल बना, और एज पर द प्राइस एक्शन थ्योरी ये डोजी कैंडल जो होता है वो इनडिसीजन वाला कैंडल होता है। इस ब्रेकआउट को हम लोग कंफर्म ब्रेकआउट कब मानते, जब आज का जो कैंडल है, आज का कैंडल का जो क्लोज है वो प्रीवियस हाई के ऊपर अगर हो जाता तो हम लोग इस ब्रेकआउट को कन्फर्म मान सकते हैं। जिस तरीके का स्ट्रक्चर निफ्टी में बना हुआ है उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे कल का जो गैप अप ओपनिंग हुआ था ये गैप अप ओपनिंग है जो सपोर्ट करके एक्ट हो रहा है ऊपर की साइड की तरफ, कल का जो हाई बना था वो रेजिस्टेंस बन के एक्ट हो रहा है, और बीच में मार्केट फंस चुका है रेंज बाउंड फेज में। ये बहुत ही बढ़िया सेटअप बैंक निफ्टी में बन रहा है, क्योंकि ये रेंज बाउंड का फेज जो डेवलप हो चुका है, ये डेवलप हुआ फेज जो है वो डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर हो चुका है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक फ्लैग विद द पोल टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। ये जो हो गया ये अपना पोल हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये अपना फ्लैग हो गया। तो कल के दिन अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आपको बहुत बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन ये है कि मार्केट जो है वो मार्केट यहाँ पे जो रेंज बाउंड फेज है उसमें बीच में ओपन होना चाहिए। बहुत ज्यादा गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाएगा तो आपको वो बढ़िया मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। हम लोग अगर 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाके इसका एनालिसिस करते हैं तो 15 मिनट चार्ट में आपको दिखाई देगा कि मार्केट में जो है वो मार्केट में इस रेंज बाउंड का जो सिनेरियो बना हुआ है तो उस हिसाब से डाउनसाइड की तरफ हम लोगों को जो लेवल मिल रहा है वो ये लेवल मिल रहा है। तो ये लेवल के नीचे अगर मार्केट आना चालू करता है तो थोड़ा मार्केट में नीचे की साइड का मोमेंटम हो सकता है, लेकिन नीचे की साइड के मोमेंटम को यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का जोन भी मिल रहा है। तो इसलिए कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या कीजिए, पहले मार्केट को ओपन होने दीजिए, और फिर ओपन हो जाने के बाद प्राइस एक्शन को देख लीजिए, और फिर इस प्राइस एक्शन को ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ऑप्शन चेन का उसके साथ हम लोग कंबाइन करेंगे। ये ओपन इंटरेस्ट डेटा का एनालिसिस मैं अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में आपको करके दूंगा। फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, जहाँ पे 97,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, यही अपना ऑफिशियल चैनल है। तो आशा है इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।